Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ACE competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Pericla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel, and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. I hope you're doing well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, पहले तो देख लेते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम बेसिकली एक हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसमें हमारे पास हमारा कंज्यूमर या हमारा प्रोड्यूसर जो है वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को जो है वो या मैक्सिमम यूटिलिटी को जो है वो पहुंच जाता है. ओके, नाउ हमारे पास हमें कंज्यूमर की तो मैक्सिमम यूटिलिटी का जो है हमें पता है. उसके लिए हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा हुआ है. और हाँ सॉरी, एक बात शायद बाद में अनाउंसमेंट मुझसे रह जाए. मैं कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे पास जो ऑर्डिनल अप्रोच थी, ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर वीडियो बनाना मेरे से रह गया था, जिसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करना भूल गए थे. सो उसकी वीडियो यहाँ पे आपको कार्ड में इस पॉइंट पे मिल जाएगी. मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के और यहाँ पे ऐड कर दूंगा. सो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम लोग वहाँ से कर लेंगे. सो क्या था कि जी कार्डिनल अप्रोच में या ऑर्डिनल अप्रोच में हमारे पास जो है हम लोग देखते हैं कि जी आपकी जो मैक्स सेटिस्फेक्शन जो है वो कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं कंज्यूमर की. जो हमारे पास प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की सेटिस्फेक्शन या प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर की यूटिलिटी क्या होती है. प्रोड्यूसर की यूटिलिटी उसका प्रॉफिट होता है. ठीक है जी, आप प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ाते हैं या उसको सेटिस्फेक्शन ही सेटिस्फेक्शन है. ओके, सो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन. ठीक है जी, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस दैट ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड आफ्टर दैट द प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस्ड. एक ऐसा पॉइंट के जिसमें आपके पास आपकी प्रोडक्शन का एक ऐसा लेवल कि अगर आप उस प्रोडक्शन से बढ़ते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं. ओके, सो अब हमारे पास आ जाता है कि जी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं या कैसे मेजर कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं हमारे पास. ठीक है जी, पहली अप्रोच का नाम है MRMC अप्रोच. ठीक है, जबकि दूसरी अप्रोच का नाम है TRTC अप्रोच. ओके, ये दो अप्रोचेज हैं हमारे पास. ओके, नाउ अब हम लोग सबसे पहली अप्रोच को देख लेते हैं, जिसको मैं कहता हूं MRMC अप्रोच जो है उसके पास मैं चला जाता हूं कि जी MRMC अप्रोच क्या होती है. सो MRMC अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जी प्रॉफिट कब होगा. प्रॉफिट हमारे पास उसके लिए दो कंडीशंस हैं. एक तो ये है कि जी जब आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपके पास इक्वल हो जाए. ओके, सेकेंडली आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद, ठीक है जी, आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, जब आपका MR और MC बराबर होते हैं, नॉट आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट बल्कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका MR और MC बराबर हो, तो आपका MC जो है विल कीप ऑन राइजिंग. ठीक है जी, आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाए उसके बाद उस पॉइंट के ऊपर जो है, ये जब दो ये कंडीशंस मीट करेंगे तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. ओके, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा हमारे पास. नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कि जी देख लेते हैं हमारा ये जो स्केड्यूल हम लोगों ने या एक टेबल जो हम लोगों ने बनाया हुआ है उसमें क्या है. देखिए सबसे पहले एक हम लोगों ने इंडस्ट्री लगा दी. ओके, इंडस्ट्री लगाने में हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कुछ हमारे पास क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आ रही होती है. ठीक है जी, जिसको हम लोग TFC कहते हैं. और इसके अलावा हमारे पास
टीवीसी भी आ रही होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ रही होती है। अब वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास वो चीज़ें कि जो कि आपकी बार बार क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट तो ये है ना कि आपने बस एक ही दफ़ा पे खर्चा कर लिया, कि इंडस्ट्री खड़ी कर ली, उसमें आपने लैंड, लेबर और कैपिटल पे आप लोगों ने जो स्टार्ट में खर्चा करना था वो करना था। लेकिन जब आप टीवीसी को देखेंगे तो टीवीसी में क्या होगा कि जी आपने उसी लेबर को फॉर एग्जाम्पल अगर ज़्यादा टास्क दिया है तो वो आपसे ज़्यादा पैसे डिमांड करेगी। ओके, पहली बात। जब आप उसी मशीनरी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगा आपके पास, ये भी आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ही आ जाएगा। अच्छा, फिर आप जब ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, ठीक है। सो ये भी आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आ गया। सो बेसिकली टीवीसी हमारे पास ये होता है कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, जो कि आपके पास बढ़ या घट रही होती हैं। ओके, नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कि जी हम लोग सबसे पहले पहले ये टेबल देख लेते हैं। उसमें हम लोगों ने जब एक यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है, और उसकी प्राइस हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी कोई एक खिलौना है, एक हमारे पास टॉय है, ठीक है जी, वो टॉय हम लोगों ने एक प्रोड्यूस किया और उसकी प्राइस हम लोगों ने रखी हुई है 12, ठीक है जी। इसी तरीके से उसके ऊपर जो टोटल एक खिलौने से जो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा वो क्या आएगा, वो भी हमारे पास 12 ही आएगा। टोटल कॉस्ट उसके ऊपर जो लगी है वो हमारे पास 15 लगी है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू यानी इसी एक का जो हमारे पास रेवेन्यू है वो कितना होगा, वो हमारे पास 12 ही होगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास यानी उसके ऊपर कितनी आ रही है, उस एक खिलाने को प्रोड्यूस करने के लिए ऊपर, वो हमारे पास 15 आ रही है। ओके, प्रॉफिट हमारे पास TR-TC होता है, ठीक है, ये हो गया, तो उससे हमारे पास -3 प्रॉफिट आ रहा है। नाउ हम लोग देखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल जब मैं दो प्रोड्यूस करता हूँ तो उस वक्त ज़ाहिर है प्राइस तो मैंने सबकी 12 12 12 12 12 सारी 12 ही रखी हुई है। TR उसका चेंज होगा जी, टोटल रेवेन्यू कितना है, अगर एक खिलौना प्रोड्यूस कर रहे हो तो 12 हो रहा है, दो कर रहे हो तो 24, 3 36, 48, 60, 72, 84, इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा। TC आपके पास क्या है, जो टोटल कॉस्ट है आपकी, ठीक है जी, सॉरी टोटल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, वो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जाहिर है बढ़ती रहेगी। जब हमारे पास टोटल कॉस्ट बढ़ती रही, टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे पास क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास वो बढ़ रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू है, अब जाहिर है कि जी टोटल रेवेन्यू आपका जो है वो क्या हो रहा है कि जी वो इन सब को मिला के आखिर में जो टोटल रेवेन्यू है वो इतना आएगा, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो अगर आपने एक गुड प्रोड्यूस किया है तो एक गुड का आपको मार्जिनल रेवेन्यू 12 है, ठीक है। इस तरीके से आपने दो गुड प्रोड्यूस किए हैं तो दूसरा गुड प्रोड्यूस किया तो उसका भी आपको मार्जिनल रेवेन्यू 12 आ रहा है, तीसरा गुड आपने प्रोड्यूस किया तो वो भी 12 आ रहा है। सो एक एक का आप लोग देख रहे हो कि हर एक का मार्जिनल रेवेन्यू है आपके पास, तो वो आपके पास 12 आएगा, उसकी प्राइस के बराबर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट की बात करें कि आपको हर एक गुड प्रोड्यूस करने के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, पहला जब आपने किया था तो उस वक्त आपके पास क्या था, उस वक्त आपके पास जो कॉस्ट आ रही थी वो आपके पास 15 आ रही थी, जब आपने दूसरा प्रोड्यूस किया तो तब आपके पास कॉस्ट 12 आ रही है, फिर 10 आ रही है, फिर 9 आ रही है, और इसी तरीके से जो है ये चेंज होती रहती है हमारे पास। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट की लाइन आ गई। इसी तरीके से हमारे पास प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए प्रॉफिट हमारे पास दो किस्म का होता है। ओके, एक होता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये जो हम लोग जिस सिनेरियो में हम लोग ये सारे का सारा एक उसका हम लोगों ने लिया हुआ है, एक हम लोगों ने जो जो केस स्टडी ली हुई है बेसिकली, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास MRMC की जो हम लोगों ने स्टडी ली हुई है, इसको हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में लिया हुआ है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने बताया था कि आपकी जो फर्म होती है वो क्या होती है, वो आपकी प्राइस गिवर होती है। ओके, और जो आपकी मार्केट होती है वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है जी। फर्म ने ही प्राइस डिसाइड कर दी, ठीक है, और वही हमारे पास फिर मार्केट में भी चलेगी, ये हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में था। ग्रॉस प्रॉफिट एक, अच्छा ये तो हमारे पास सॉरी वो हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है, जब हम लोग नेट प्रॉफिट सॉरी उसमें परफेक्ट कंपटीशन में करेंगे, तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास वो कितना होगा, जो सारा का सारा जितना भी टोटल हमारे पास जो वो है ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना, उसकी हम लोग बात करें, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, TR
माइनस टी वी सी को देखते हैं। टी आर हमारे पास कि जी हमारा कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, और टी वी सी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये हमारे पास कितना हुआ है। सो टी आर में से टोटल रेवेन्यू से हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो माइनस कर लेंगे। एक सिंपल सी बात है यार, आप एक कोई भी चीज़ लेते हैं, ठीक है जी, आप एक गाड़ी लेते हैं और आप गाड़ी पुरानी होती है, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद जो है क्या कह देते हैं कुछ उसके ऊपर खर्चा करके, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख की गाड़ी ली है, ठीक है, 10 लाख की आपने गाड़ी ली है, तो उसके बाद आप क्या कर देते हैं उसके ऊपर 1 लाख मजीद लगा के और उस गाड़ी को जो है आप बेच देते हैं। अब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल वो 12 लाख की बेची है वो गाड़ी, ठीक है, तो फिर आप क्या कर लेंगे कि जी टोटल आपकी जो कॉस्ट है, ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका 12 लाख, ठीक है जी, और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एक तो आपने ये 10 लाख की गाड़ी ली थी और उसके ऊपर फिर आपने 1 लाख का मजीद खर्चा किया था, तो 12 लाख माइनस 10 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, ये हमारे पास 1 लाख का आपको उसमें प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपल हुआ है कि जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आप उससे माइनस कर लेंगे आप उससे। नाउ सॉरी, अब हमारे पास क्या है कि जी हम लोगों को टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है ग्रॉस प्रॉफिट में, और उसी को हम जो है टोटल रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब एमआरएमसी अप्रोच जो है, एमआरएमसी अप्रोच में हम लोगों ने दो कंडीशंस जो हैं वो पढ़ी थी। हम लोग कहते थे कि जी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक तो ये है कि एमआर इज इक्वल टू एमसी हो जाए, और दूसरा ये है कि जी एमसी जो है जब एमआरएमसी के बराबर हो तो उसके बाद अगले वाला जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो, वो मार्जिनल रेवेन्यू से बढ़ता जा रहा हो, इंक्रीजिंग हो हमारे पास, ओके। सो क्या हुआ, हमारे पास एम आर और एम सी कहाँ कहाँ वो है, ये हमारे पास एम आर है 12, ठीक है, ये दो पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास जो दो पॉइंट है ना, ये एक ये पॉइंट, दूसरा हमारे पास पॉइंट ये वाला है कि जहाँ पे हमारे पास एम आर और एम सी जो है वो आपस में बराबर आ रहे हैं, ओके। नाउ अब हम लोगों के पास एम आर जो है वो दो जगहों पे, जब हम लोग दो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वक्त हमारे पास एम आर एम सी बराबर है, और जब हम 10 यूनिट कंज्यूम कर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस वक्त भी हमारे पास एम आर और एम सी जो है वो बराबर है, ओके। दूसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर दिस पॉइंट, जहाँ हमारे पास एम आर और एम सी बराबर हैं, वो हमारे पास उसमें हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू में से जो है वो क्या कर रही हो, राइज कर रही हो, राइजिंग पोजिशन में हो हमारे पास, ओके। सो हम लोग इस पॉइंट पर अगर देखते हैं तो ये हमारे पास एम सी 12 है, एम आर भी 12 है, ओके। अब हमारे पास आगे जो है क्या हो कि जी इसके बाद हमारे पास जो 10 है हमारे पास, जहाँ पे जाहिर है एम सी एम आर इक्वल एम आर बराबर होंगे, तो आगे हमारे पास ये जो ये वाला एम सी है अगला वाला, वो इस एम सी से ज्यादा हो या इस एम आर से जो है वो ज्यादा होना चाहिए उसको, ठीक है। इस पोजीशन में हमारे पास क्या है, डिक्लाइन हो रहा है हमारे पास, डिक्लाइनिंग एम सी है हमारे पास। फिर हम लोग देखते हैं इस पोजीशन को, जब हम लोग इस पोजीशन को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो एम सी है वो क्या हो रहा है, वो हमारे पास इस पोजीशन में राइजिंग एम सी आ रहा है हमारे पास, ओके। एम आर एम सी बराबर है, लेकिन हमारे पास इस एम सी के इस एम सी एम आर के इस कॉम्बिनेशन के बाद वाला जो हमारे पास एम सी है वो इस एम सी से भी और इस एम आर से भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारे पास फुलफिल हो जाती हैं, ओके। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट कि इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक एट द पॉइंट व्हेन 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड, नॉट व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके। और उसके लिए रीजन सिंपल है, ठीक है जी, कि हमारे पास जो फॉलिंग एम सी है ओनली इंक्रीजेज द डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी वी सी, ठीक है जी। आपके पास जो जहाँ पे आपका फॉलिंग एम सी होगा वहाँ पे टी आर और टी वी सी जो है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होगा हमारे पास, वो जो है हमारे पास उन दोनों में जो है ना डिफरेंस को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। हम लोगों को पता है कि सम ऑफ ऑल द मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारे पास
हमारे पास क्या होता है, TVC के बराबर होता है हमारे पास, ओके। और जो हमारे पास सम ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारे पास टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है। सो TR हमारे पास जहाँ पे अगर आप लोग देख लें वो, और सम ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यूज अगर देख लें तो ये दो जो हैं, ये अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो जब मैं इन सब को आपस में ऐड करूँगा, ठीक है, जब मैं इन सब को आपस में ऐड करूंगा तो इसका मेरे पास सम जो है वो कितना आ जाएगा, 132 आएगा, ओके, जो कि इसके बराबर होगा, ठीक। टीवीसी जो है हमारे पास सम ऑफ ऑल द मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारे पास वो क्या होता है, ओ रियली सॉरी, ये जो है आपके पास, ये हमारे पास 132 के बराबर आएगा, जबकि ये जो है हमारे पास, इसका जब हम लोग देखेंगे, जो हमारे पास समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारे पास टीवीसी के बराबर आएगी। सो इसको हम लोग, गिव मी अ मिनट कि मैं इसको काइंडली ऐड कर लूँ एक मिनट के लिए। सो एमसी जो है हमारे पास, एमसी क्या होगा, वो होगा हमारे पास सम ऑफ ऑल द एमसी जो है वो हमारे पास क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, जो कि हमारे पास आ रही है, ये टोटल कॉस्ट आ रही है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास 115 आती है हमारे पास, ओके, ये हमारे पास 115 आती है। सो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मैथमेटिकली और फार्मूले के साथ जो है, हम लोगों को भी सारी की सारी समझ तो उसमें आ गई है कि जी क्या क्या चीज़ आ रही है। सो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फार्मूले में इसको पुट करते हैं और इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले पहले मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले पहले मैं ले लेता हूँ सिचुएशन वन में, ठीक है जी, जब हमारे पास आउटपुट जो है वो होगा 2 यूनिट्स का, ठीक है जी, एम सी जो है वो एम आर के बराबर होगी, और हमारे पास क्या होगा, एम आर जो है वो क्या होगा, फॉलिंग होगी हमारे पास, राइजिंग नहीं होगी। नाउ हमारे पास टी आर जो है वो क्या है, वो है हमारे पास समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यूज, वो हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यूज है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास जो टी आर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 24 के बराबर, ठीक है, यानी कि ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारे पास क्या होगा, 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा हमारे पास। इसमें हमारे पास टी वी सी जो है वो होगा हमारे पास समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल कॉस्ट, तो समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास इस पॉइंट पे क्या होगा, वो होगा हमारे पास यहाँ पे 27 के बराबर। सो 15 प्लस 12 हमारे पास जो है इज इक्वल टू 27 के बराबर हो जाएगा, ठीक। नाउ हमारे पास पाई, जिसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास टी आर माइनस टी वी सी, ठीक है जी, और यहाँ पे ये आपको पता होगा, ये प्रॉफिट जो है बेसिकली ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट की हम लोग बात कर रहे हैं। सो टी आर माइनस टी वी सी को हम लोग देख लेंगे, टी आर माइनस टी वी सी को जब हम लोग देखेंगे तो टी आर हमारे पास 24 है और टी वी सी हमारे पास 27 है, सो ये हो जाएगा हमारे पास टी आर माइनस टी वी सी इज इक्वल टू 24 माइनस 27 इज इक्वल टू -3, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इसमें, -3 का मतलब है यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इस पॉइंट में हमारे पास, ओके। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं सिचुएशन 2 को, जहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो है वो है 10 के बराबर, एम सी जो है वो एम आर के इक्वल है, और हमारे पास एम सी जो है हमारे पास वो राइज कर रही है, ठीक है जी, नॉट एम आर, एम सी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या कर रही है, राइज कर रही है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि जी हमारे पास टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना होगा, अब तक के लिए टोटल रेवेन्यू हमारे पास होगा 12, ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यूज होता है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 120 हमारे पास इसका
क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इसका सिंपल तरीका ये भी है कि ये टोटल रेवेन्यू हम लोगों ने पहले से यहाँ पे निकाला भी हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 120 आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। नाउ टीवीसी आपके पास कितना होगा? टीवीसी हमारे पास होता है समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका समेशन आपके पास इस पॉइंट तक कितना आना चाहिए, ये 12 है ओके, और ये आपके पास 100 आ रहा है ओके। सो आपके पास यहाँ तक का जो टोटल टीवीसी जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 100। आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है टीआर माइनस टीवीसी, जो कि हो जाएगा 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा ठीक। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों ने जो इस टेबल में प्रॉफिट निकाला है वो उसके बराबर है या नहीं है ओके। मैं जब वो निकालता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये आ गया ओके। सो अब मैं निकालता हूँ इसका प्रॉफिट। जो ये वाला हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, -3 का आ रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी -3 है। जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट 20 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉफिट 20 आ रहा है, तो हमारा जो टेबल है वो क्या कर रहा है, वो हमारे इस कैलकुलेशन को जो है वो क्या कर रहा है, 100% इंडोर्स कर रहा है ओके। यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो 100% ओके है ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टी आर और टी सी जो है उसको, टी वी सी जो है वो हमारे पास जब 10 टू राइज करेगा एज आउटपुट इज इंक्रीज फ्रॉम 2 to 10। इनफैक्ट द ओनली इनफैक्ट इट इज ओनली व्हेन आउटपुट जो है हमारे पास 10 होगा, यूनिट्स जो है हमारे पास 10 यूनिट्स होगा हमारे पास, और जो प्रॉफिट है हमारे पास वो मैक्सिमम होगा। अगर हम लोग इस पॉइंट से आउटपुट को मज़ीद जो है वो ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो मैं अब इस पॉइंट को ले लेता हूँ कि अगर हम लोग 11 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करें, सो हमारे पास समेशन ऑफ एम आर जो है वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 132 के इक्वल ठीक है, वो हमारे पास 132 के इक्वल होगा। समेशन ऑफ एम सी जो है हमारे पास वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 115 के बराबर ठीक, वो हमारे पास 115 के बराबर हो जाएगा। सो हमारे पास जो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना टी आर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा टी आर, ये हमारे पास टी वी सी हो जाएगा ओके। सो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, टी आर माइनस टी वी सी इज इक्वल टू 132 माइनस 115, उससे हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 17 का। नाउ दिस 17 इज इक्वल टू दिस 17, हमारी एक तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि जी हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो रहा है, हमारी कैलकुलेशन जो है 100% ट्रू है। सेकेंडली हम लोगों ने ये भी देखा है कि जी ये जो प्रॉफिट है ये इस प्रॉफिट से कम आ रहा है हमारे पास, 17 इज लेस देन 20 ओके अच्छा। सो हम लोग कहते हैं कि इट इज ओनली व्हेन एम सी इज इक्वल टू एम आर एंड एम सी इज राइजिंग दैट अ प्रोड्यूसर विल रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड ओके। वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा इसका मतलब ये इसके हमारे पास जो है थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं क्या करते हैं, अब हम लोग कह देते हैं कि जी हम लोग इसका डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि